और ये ठरकी का फ़ोन फिर से आता है और वो सुमी को साथ में लाने को कहता है, जिस पर सुमी मना कर देती है। लेकिन ऋषि कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमको चलना ही पड़ेगा। फिर क्या करे बेचारी, जाना पड़ता है उसको भी। हालांकि इस बार ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता है और सुमी उसके साथ डांस भी करती है और ये महाशय जी दे देते हैं पैसा। तो मैंने कल बताया था कि प्रीति ने उसको झाड़ के दिया था एक तमाचा। उसके बाद रितु कहती है कि मैं जाके अम्मा जी से बता दूंगी। तो प्रीति कहती है कि बता दूँ जाके, मेरा क्या जाना है, तो मैं भी बता के बता दूंगी कि तुमने क्या क्या काला कांडी कर रखी है। और फिर रितु डर की वजह से नहीं बताती है किसी को भी कुछ भी। फिर उसके बाद एक फ़ोन आता है जो कि सूर्यकमल की मौसी का होता है। तो सूर्यकमल की मौसी जो है प्रीति और सूर्यकमल को अपने घर बुलाती है घूमने के लिए। रात को अम्मा जी कहती हैं कि बेटा कल मैंने जो है अपॉइंटमेंट ले रखी है डॉक्टर से, तो कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन प्रीति बैग पैक करके खड़ी रहती है, तभी अम्मा जी आती हैं, बोलती हैं ये कहाँ जा रही हो। तो प्रीति कहती है कि मौसी के यहाँ अम्मा जी, क्योंकि मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया था और डॉक्टर ने बोला कि क्लिनिक तो 3 दिन के लिए बंद है, तो मैंने सोचा कि मौसी के यहाँ ही हो आते हैं। वैसे तो मैंने अम्मा जी को अंपायर बनाया था, लेकिन यहाँ पर प्रीति ने तो अंपायर को ही आउट कर दिया, तो इसलिए मैं अम्मा जी को -1 करना चाहूँगा और प्रीति को +1। फिर प्रीति और सूर्यकमल दोनों आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल लेते हैं और ये दोनों बस देखती रह जाती हैं। सूर्यकमल कहता है कि अभी हम लोग लग्जरी बस से चलेंगे बिंदास AC में, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इसलिए ये दोनों छत पर चढ़ जाते हैं बस की। तो प्रीति कहती है कि ये तो लग्जरी बस से भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये दोनों मौसी के यहाँ पहुँच जाते हैं और बाकी का जो है पार्ट मैं कल अपलोड कर दूँगा, ठीक।